नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डायनेमिक एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे को लेकर बात करने वाले हैं और वो मुद्दा है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्सों के एग्ज़ाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने इस कोरोना महामारी को देखते हुए यह फैसला लिया था कि जितने भी सेमेस्टर्स एग्ज़ाम हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हों, उन्हें डायरेक्ट प्रमोट कर दिया जाए इंटरनल असेसमेंट को आधार बना के। किंतु हमारे UGC के यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के काका श्री अर्थात रमेश पोखरियाल निशंक से नहीं रहा गया और उन्होंने कहा एग्ज़ाम तो होके रहेगा। यहाँ दोस्तों, तो कुछ ही 2-3 दिन पहले उन्होंने यह कहा कि एग्ज़ाम्स होंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हों या फाइनल ईयर के हों या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, फाइनल ईयर के हों तो उनका एग्ज़ाम होगा। इससे संबंधित उन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं और वो गाइडलाइंस क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपके लिए यह जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, यह एक ऐसा मामला है कि जो हमारे स्वास्थ्य से काफ़ी जुड़ा मामला है। कोरोना महामारी को आप देख रहे होंगे दिन प्रतिदिन किस प्रकार इसके मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है और इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तो UGC ने बहुत सारे हेल्थ फैसिलिटीज़ और रिक्वायरमेंट्स को लेकर गाइडलाइन जारी किया है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कौन से विषय को इंक्लूड करना चाहिए, कौन से को नहीं ध्यान देना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ बात करने वाले हैं कि जो गाइडलाइंस जारी हुई है। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे बहुत सारे गाइडलाइंस हैं इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग, ये ऑफिस मेमोरेंडम है जो UGC ने जारी किया है 6 जुलाई 2020 यानी 3 दिन पहले, और आज हम 9 तारीख को यह देख रहे हैं। तो MHRD ने एक SOP जारी किया है जो कि गृह मंत्रालय से के सहयोग से हुआ है कि क्या क्या निर्धारित होनी चाहिए चीज़ें इस मामले में। तो देखिएगा, मैं आपको ये चीज़ दिखाऊं। तो जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैव ऑप्टेड फॉर फाइनल एग्जाम्स टू बी डन रिमोटली लाइक प्रिंसटन एंड MIT, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं, जैसे MIT कॉलेज का नाम आ रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडलबर्ग जर्मनी का, इम्पीरियल कॉलेज लंदन का, इन सभी जगहों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम को जारी किया है, अपने इंक्लूड किया है कि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेके या ओपन बुक टेस्ट लेके असेसमेंट को कंप्लीट करेंगे। लेकिन भारत जैसे देश में यह थोड़ा मुश्किल है। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऐसा कहा था कि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेगी, किंतु अब UGC के गाइडलाइन जो जारी हुआ है कि आपको 30 सितंबर 2020 तक फाइनल ईयर के छात्रों का एग्ज़ाम लेना होगा, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो या ब्लेंडेड, यानी कि दोनों मोड में हो सकता है। अब देखेंगे कि इसके लिए हमारे विद्यार्थी और हमारे प्रोफेसर्स, हमारे टीचर्स और हमारा मंत्रालय कितना तैयार है, क्योंकि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने में इसे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार 6 महीने को सेमेस्टर को बढ़ा के 10 महीने का कर दिया गया, उसे तो यही लगता है कि शायद इन्हें विद्यार्थियों की पढ़ी नहीं हुई है। क्योंकि यही वो टाइम है जहाँ बहुत सारे नौकरियों का सिलसिला होता है, नौकरियाँ आती हैं। लेकिन अगर UGC ऐसा काम करेगी तो जो विद्यार्थी अभी तक ग्रेजुएट हो जाते हैं या अभी तक पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, उन्हें काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, गाइडलाइंस क्या है उस पर हम बात करेंगे। तो जो गाइडलाइंस है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग प्रोसीजर्स क्या क्या होने चाहिए वो जारी किया गया है। कि तो द इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस एंड ऑर्डर इशूड बाई सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कंसर्निंग द ओपनिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सेफ्टी एंड हेल्थ शुड बी अबाइडेड बाई द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। हाउएवर, दे मे डेवलप मोर रिस्ट्रिक्टेड प्रोविजंस एंड गाइडलाइंस इफ़ दे फाइंड इट नेसेसरी। जी हाँ दोस्तों, UGC ने यह सख्त शब्दों में कहा है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी और उसे सेफ्टी के लिए ध्यान रखना होगा, और वो चाहें तो सख्त से सख्त मोड अपना सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन आपको भी पता होगा कि हमारे बिहार और झारखंड जैसे UP जैसे राज्यों में विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति है, क्या इतने सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम इस तरह लेना इतने सेफ्टी के साथ क्या संभव हो पाएगा, क्या सरकारों को यह ध्यान नहीं कि विद्यार्थियों को कितनी परेशानियाँ आ सकती हैं इस पर। अगला है नंबर टू देखेंगे कि इनकेस देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट इन सर्टेन एरियाज, एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड इशूज टू बी स्टूडेंट्स शुड बी ट्रीटेड एज ए पास फॉर द मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। जी हाँ दोस्तों, जो स्टूडेंट्स आएंगे उन्हें अपने पास के साथ आना होगा, एडमिट कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड उनके लिए जो विश्वविद्यालय जारी करते हैं उसके साथ ही होगा। स्टेट गवर्नमेंट शुड यूज इशूज इंस्ट्रक्शन टू ऑल लोकल अथॉरिटीज टू इशू मूवमेंट पासेज टू इनविजिलेट, यानी स्टेट गवर्नमेंट को पास जारी करना होगा इनविजिलेटरों के लिए भी,
और विद्यार्थियों के लिए भी, ताकि वो आ जा सकें। लेकिन आना और जाना कितना सुरक्षित रहेगा यह ध्यान देने वाली बात है, और विद्यार्थियों को अपने सुरक्षा की चिंता खुद भी करनी होगी, क्योंकि मंत्रालय के लोग और प्रशासनिक पदों पर बैठे लोग इस चिंता की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, यह तो साफ पता चल रहा है। तीसरा पॉइंट है कि इंटायर एग्जामिनेशन सेंटर फ्लोर्स एंड वॉल्स डोर्स गेट्स शुड बी स्प्रेड विथ डिसइंफेक्ट। हाँ दोस्तों, जितने भी जगह होंगे, खिड़कियाँ बेंचेस, सबको सैनिटाइज करने की बात की गई है, सबको डिसइंफेक्ट करने की बात की गई है। पता नहीं ऐसा हो पाएगा या नहीं, लेकिन हम आशावादी रह सकते हैं, क्योंकि अब एग्जाम्स तो देना ही है। फ्रेश मास्क एंड ग्लव्स टू बी यूज्ड बाय एग्जाम फंक्शनरीज आफ्टर स्टाफ वेरिफिकेशन। इंटर्न स्टाफ का वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद उन्हें ग्लव्स और मास्क देने होंगे। यानी कथनी में तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, पर क्या ऐसा हो पाएगा? और भी बहुत सारे सीटिंग प्लान्स के बारे में दिखाया गया कि सीटिंग प्लान्स कैसा होगा। यहाँ देखिए 25वां नंबर पर अगर हम बात करें कि कीपिंग इन व्यू द फिजिकल डिस्टेंसिंग इंस्टीट्यूशन शुड हैव एडिक्वेट रूम्स कैपेसिटी टू मीट द प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट फॉर एग्जामिनेशन। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू स्टूडेंट्स शुड बी 2 meters। जी हाँ दोस्तों, देखिए 2 meter की दूरी बताई गई है कि एग्जाम देते समय आपको बरतनी होगी, लेकिन क्या जहाँ बेंच नहीं है वहाँ 2 meter की दूरी बरती जा सकती है, यह देखने वाली बात होगी। आगे एडिक्वेट अरेंजमेंट्स फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर बी मेड ऑन द कैंपस। वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए जिससे आप लोग अच्छी तरह अवगत हैं। फिर है एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर इन टॉयलेट्स एंड फॉर हैंड वॉशिंग भी इंश्योर्ड। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी को देखते हुए आपको ये पता होगा कि अपने हाथ बार बार धोते रहने हैं, इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान ने यह भी कहा है कि हैंड वॉशिंग के लिए टॉयलेट्स में पानी की उपलब्धता होनी जरूरी है। डस्टबिन मस्ट बी क्लीन्ड एंड कवर्ड प्रॉपरली। प्रॉपर सैनिटाइजेशन ऑफ बसेस अदर ट्रांसपोर्ट एंड ऑफिशियल्स एंड व्हीकल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। और उसके बाद क्या होगा, एट द एंड ऑफ डे यूज्ड ग्लव्स एंड मास्क शुड बी डिस्पोज्ड ओनली ए पेडल पुश कवर्ड बीन एट द एग्जामिनेशन सेंटर एंड आउटसाइड द एग्जामिनेशन रूम हॉल। जी हाँ दोस्तों, जो भी ग्लव्स और मास्क यूज किए जाएंगे उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसा कह रहा है कि उन्हें डिस्पोज्ड किए जाएँ। लेकिन फिर भी इतनी एहतियात बरतने के बाद भी आपने देखा होगा किस प्रकार डॉक्टर्स लोग बड़े बड़े कवर में रहते हैं, मास्क पहन के रहते हैं, बड़े बड़े शील्ड लगा के रहते हैं, लेकिन क्या वो बच पाते हैं कोरोना से इन्फेक्ट होने से? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इतने एहतियातों के बावजूद जब बड़े बड़े डॉक्टर्स कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं, तो विद्यार्थियों को क्या होगा जो कि स्वभाव से ही चंचल होते हैं। सेफ्टली डिस्पोजल ऑफ ऑल यूज मास्क एंड ग्लव्स डिस्कार्डेड एट द एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ आउटसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर। ग्लव्स और मास्क को एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर डिस्पोज करने की बात UGC ने कही है। तो आप दोस्तों को यह जानना जरूरी है कि क्यों एग्ज़ाम में हमें किस प्रकार की सुरक्षा बरतनी होगी। सितंबर के अंत तक एग्ज़ाम लेने की बात की गई है। तो मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल एग्जामिनेशन फंक्शन, यानी जो भी एग्ज़ाम लेने वाली बॉडी में शामिल होंगे, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, टीचर हों, इनविजिलेटर्स हों, उनका एक रिकॉर्ड बनाना होगा। रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इन्विजिलेटर का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ताकि भविष्य के लिए वो काम आ सके। आगे हम देखेंगे कि जो आखिरी में सबसे जो एनेक्सेसर है उसमें ये सिटिंग प्लान बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देखिए सिटिंग प्लान, जो कि आपको देखने में काफ़ी बचकाना लगेगा, लेकिन आपको एग्जाम देना है तो ये जानना जरूरी है कि कैंडिडेट्स रोल नंबर 1 empty, 2 empty, 3 empty, यानी एक स्टूडेंट्स, उसके बाद खाली जगह, फिर दूसरा, फिर खाली जगह, फिर तीसरा, फिर खाली जगह। तो इस तरह से column 1, column 2, column 3, column 4 में विद्यार्थियों की बैठने की व्यवस्था UGC ने की है। लेकिन UGC सिर्फ और सिर्फ एक गाइडलाइंस दे रही है, और इसे लेकर महाराष्ट्र के एजुकेशनल मिनिस्टर सामंत जी ने एक बात कही कि UGC का जो गाइडलाइंस है वो एडवाइजरी होना चाहिए, ना कि मैंडेटरी। लेकिन UGC ने इसे मैंडेटरी बताते हुए एग्जामिनेशन को कंपलसरी बताया है, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हो रहा है विद्यार्थियों द्वारा, और ट्विटर पे #cancellationofexams के ट्रेंड भी चलाए जा रहे हैं। तो देखिए, आखिर अब तो संभव नहीं है कि एग्जामिनेशन कैंसिल हो, क्योंकि UGC का ये दूसरा या तीसरा गाइडलाइंस है। क्योंकि किंतु मैं यह कहूँगा कि उन्हें यह ध्यान देने चाहिए थे कि जिस प्रकार अन्य जगहों पे ऑनलाइन मोड अपना के एग्ज़ाम लिया जा रहा है, उसी प्रकार यहाँ भी किया जाना चाहिए था। और अगर सितंबर डेट है तो उसके बढ़ा के या कम करके अगस्त तक या जुलाई में ही एग्ज़ाम लेने की व्यवस्था की जा सकती थी, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा भविष्य को लेकर परेशानियाँ खड़ी हो सकती है। मेरी भी डिग्री अटकी हुई है, मैं भी काफ़ी परेशान। क्या आप एग्ज़ाम्स कैसे देंगे? और आपको मेंटली प्रिपेयर होना ही होगा, और सीटिंग पैटर्न्स तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार बैठना होगा।
और जो भी पहले की गाइडलाइंस थे कि 60-40 का रेशियो था या सिर्फ प्रमोट करने की बात की गई थी, वो सब अब कोई काम नहीं आएगा। आपको एग्ज़ाम्स देना है और देना है तो देना है, इसलिए मेंटली आप प्रिपेयर रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल डायनेमिक एजुकेशन के साथ, ताकि आपको इस प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।